अकाउंट में जमा कराई गई रकम में इजाफा देखकर खातून दंग रह गई। कुछ ऐसे अकाउंट्स आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो या इस तरह की चीज़ें जिनका वक्तन फवक्तन आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, रेवेन्यू मिलता रहता है, और कुछ लोगों के ऐसे सेविंग्स अकाउंट होते हैं जहां पर आप कुछ 2,000-3,000 कभी छोड़ देते हो और अकाउंट उसके बाद यूज़ नहीं करते हो। लंबे टाइम बाद आप जब अकाउंट्स यूज़ करते हो तो पता चलता है कि इस पर तो काफ़ी हद तक रेवेन्यू आ चुका है, जो आप परसेंटेज पे प्रॉफिट रखते हो। तो ऐसा ही ये वाक्या है जो आपके साथ आज हम यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं। स्कॉटिश खातून के अकाउंट में जमा कराई गई रकम में हैरान कुन तौर पर 100 गुना इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रकम में 100 गुना इजाफे का वाक्या बरतानवी रियासत स्कॉटलैंड की खातून के साथ पेश आया, जिन्होंने 60 साल की उम्र में, जो उनकी दादी थी, उन्होंने 60 साल कबल जब उनकी उम्र 6 बरस थी तो उनकी दादी ने उनकी मदद से एक ट्रस्टी सेविंग्स बैंक में अकाउंट खुलवाया था उनके नाम पर, कि अकाउंट खुलवा दिया गया एक सेविंग्स अकाउंट। उस वक्त अकाउंट में 3.35 डॉलर की रकम जमा कराई गई थी, जिसके बाद उन्होंने अकाउंट दोबारा चेक नहीं किया क्योंकि बैंक की जो बुक थी वो दादी के पास थी। क्योंकि 74 साल स्कॉटिश खातून कैरोल की परवरिश फिलिपाइन में हुई और वो सिर्फ अपनी दादी से मिलने के लिए स्कॉटलैंड आया करती थी, इसलिए उन्होंने भी कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया कि चेक करें कि एक 6 साल की बच्ची का आप अकाउंट उसके नाम पे आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हो। तो ये जहन में भी नहीं रहता कि एक 74 एज तक, जब वो 74 साल की एज तक जाती तो उसके वहम व गुमा में भी नहीं होता ये चीज़ कि वो भी मौजूद होगी या उस पर क्या कुछ हो चुका होगा। दादी के इंतकाल के बाद कैरोल मुस्तकिल तौर पर स्कॉटलैंड में मुंतकिल हो गई, तहम उन्होंने अकाउंट दोबारा चेक नहीं किया। 60 साल बाद घर की सफाई के दौरान उन्हें बैंक की बुक मिली तो उन्होंने अकाउंट चेक करने का फैसला किया और बैंक जा पहुंची। खातून बैंक अकाउंट में रकम देखकर दंग रह गई क्योंकि 3.35 डॉलर की रकम में 100 गुना इजाफा हो चुका था और उनके अकाउंट में 335 डॉलर की रकम मौजूद थी। खातून का कहना है कि वो इस पर बहुत खुश हैं और अपनी दादी की मशकूर हैं। और 335 डॉलर कोई बिग अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर उस चीज़ को देखा जाए कि जहाँ पर 3.35 रखवाए गए थे, उसके बाद फिर 100% उनका, वो उनको परसेंटेज मिलके प्रॉफिट मिलके 335 डॉलर वो हो चुकी थी। खैर, ऐसे वाकयात भी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि जैसे आज कुछ 2-3 अजीब व गरीब वाकयात आपके साथ शेयर किए गए, मोती वाला, उसके बाद ये। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ।